है खास हर अंदाज। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। पछता रही हो मेरे साथ शादी करके? लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं। फाइन, बदल यू टर्न, वापस चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ही छोड़ देते हैं। आओ बेटा। ये सब क्या है? बहू का सामान है छोटे हुकुम। एक काम कर बदरी, इसे बाहर फेंक दे। आज से तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। विधिता, वैसे आना तो आपको था। इस बार अश्विन जीजोसा ने जो चुना था। इस बार अश्विन जीजोसा ने जो चुना था, मतलब पिछली बार का फैसला किसका था? मेरा। विवेक से शादी करने का फैसला मेरा था। रात्र के पावन त्योहार में देवी की शक्तियों को क्षीण करने हेतु कंस करता है महासुर, महिषासुर की प्रतिमा का निर्माण। इस नवरात्रि धर्म का सर्वनाश होगा और अधर्म की होगी स्थापना। सांझी माता की कथा में श्याम के लिए सांझी के प्रेम और भक्ति पर लगाए जाते प्रश्न चिन्ह। कहाँ है तुम्हारे श्याम? बुलाओ अपने श्याम को। आज तुम्हें ये सिखाते हैं कि खुद को बदलते कैसे हैं। परफेक्ट। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद। कोई माने या ना माने, लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला, ये कोई शादी थोड़ी ना हुई। मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला। एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद। कोई माने या ना माने, लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला, ये कोई शादी थोड़ी ना हुई। मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला। एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। आज मैंने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया, सबने बहुत तारीफ की, बस आप ही बाकी हो। तुम तो बहुत कमाल का बना लेती हो। अब लाइए मेरा गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट सोच के रखा हुआ है। आप हमेशा से इस परिवार की खास रही हो और खास काम खास लोगों को ही सौंपे जाते हैं। बस इतना याद रखिए, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और इस काम की पूरी कीमत मिलेगी आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पवित्र है या नहीं। विदिता, ये कस्तूरी है, पुष्कर की दायमा है। खम्मा घणी बोलू बिंदनी सा। सबकी ना अच्छे से मालिश करना, सबसे पहले तो मेरी ही मालिश करना। सबसे पहले उसका नंबर आना चाहिए, जिसके लिए चीज नहीं, जिसको कस्तूरी काकी के कला का अंदाजा ही ना। मुझे नहीं करवानी मालिश। आपकी बीवी ने तो सारा खेल ही पटक दिया। हाथ तक नहीं लगाने देगी तो काम कैसे होगा? आई थिंक आज रात आपको यहीं रुक जाना चाहिए कस्तूरी काकी। तब तक मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, किसी भी तरह विदिता को तैयार करता हूँ। तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की रंगीले। अरे जे तो कुछ भी कोनी, अरे वास्ते तो चांद तारे तोड़ के ला सकूं मैं।
पर उसके लिए तो तन्ने ऊपर जाना पड़ेगा ना। वो कैंसिल। अब सुन असली बात, मैंने हमारे राजस्थानी जूतों के साथ साथ ना राजस्थानी कपड़ों का भी काम करना शुरू कर दिया है। जम के मेहनत करूंगा। वो पुष्कर तो विधिता को जोधपुर लेकर गया ना, मैं तो तन्ने बॉर्डर पार लेकर जाऊंगा। बॉर्डर पार पाकिस्तान? अरे बॉर्डर पार सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी ना होए, लंदन, अमेरिका, उलुलुलु। हाय सच्ची? अरे पहुंची और फिर वहां दोनों हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे। टिंग टिंग टिंग। ए बेला पिलाड़ा नारियल पानी। बेला होश में तो है तू? ये सब क्या कर रही है? बिना सही गलत का सोचे कुछ भी कर रही है। मैं सोचती थी मारी ये बेला भोली भंडारन है, आज पता चला कि भगवान ने इसी दिमागी को नहीं दिया। तेरे रंगीला ने पहले ही कम बखेड़ा खड़ा कर रखा था, जो अब ये भी इसके साथ होली। हाँ मैं दूंगी रंगीले का साथ। ये मारी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूंगी। इस घर में मारे बारे में ना कल कोई सोचने को बैठा था, ना आज कोई सोचने को बैठा है। सबको बस अपनी इज्जत की पड़ी है। मारे में दिमाग को नहीं, पर मारी जिंदगी में जो ये सनिश्चर बैठाया है ना, वो सारा दिमाग वालों ने ही बैठाया है। अब मैं मारी जिंदगी के फैसले खुद ही लेना चाहूंगी। रुकट है क्या फैसला लेगी तू? इतनी बड़ी हो गई तू और छोटे बड़े की मर्यादा भूल गई। और तू रंगीला तन्ने के लागे कि जो तंबू गाड़ने से तू अपनी मनमानी कर लेगा। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझ। तने आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, उठा जे अपना तंबू और निकल जाटे से, वरना मन्ने पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस बुलानी है पुलिस बुला लो, पंचायत बिठाने पंचायत बिठा लो। कानून के साथ से हम दोनों बालिग है बालिग, साथ फेरे लिए हम दोनों ने, मजाक छोड़ी ना कोई। तो तुम मुझे मनाना चाहती हो? हाँ। कैसे? वो अधूरापन पूरा करके जो हमारे रिश्ते में है। एक बात बताओ, सुहागरात के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? कल कस्तूरी का कि खास तुम्हारे लिए एक आयुर्वेदिक मसाज का इंतजाम करेंगी। बस कुछ ही देर मेरे और विदिता के रिश्ते का फैसला हो जाएगा। इस घुटन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा कि वाकई विदिता पवित्र है। तुम्हारे और रुद्र की कार्ड के बारे में मुझे पता था। रुद्र ने मुझे सब कुछ बताया था कि कैसे तुम उस पर डोरे डालती थी। सच ये है कि रुद्र सिद्धि के पीछे पड़ा हुआ था। हमेशा आपने सिद्धि की आंखों में सच्चाई देखी है ना, अब अपनी पार की नजरों से कुछ और देखते जाइए। इस बांसुरी से प्रेम की ध्वनि निकलती है और प्रेम में संसार का कोई भी कार्य सिद्ध करने की शक्ति होती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री कृष्ण की बांसुरी द्वारा राधा लेती है काल रात्रि का रूप। दुर्गा आज धर्म की नहीं धर्म की हार होगी। अगर दो दो बीवियों के साथ रहना है तो ऐसा कुछ चक्कर चलाना होगा कि ये दोनों हमरे पीछे नाचती भागती रहे। हम आपको 10 लाख के कच्चे बनियान का ऑर्डर देते हैं। लेकिन हमें जाना कहाँ होगा? एम संतोषी कॉलेज देखा है तो गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 13 में मेरी बेटी रहती है, जाकर उसे ले लेना। हमारा किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया?